आज मैं आप सभी के लिए बिल्कुल नई टेस्टी और आसान हरी मिर्च लहसुन की चटनी की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। एक बार बनाए और 15 दिन तक आप खा सकते हैं। तो चलिए देखें कैसे बनाते हैं। बहुत आसान और चटकदार लहसुन हरी मिर्च की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम हरी मिर्च। तो आप मोटी हरी मिर्च, पतली हरी मिर्च कैसा भी ले सकते हैं। मिर्च को मैंने अच्छे से धो लिया है और धो के किचन टॉवल से पोंछ लिया है। और इसमें जाएगा 2 पोट लहसुन के। लहसुन को मैंने छील करके इस तरीके से कली को निकाल लिया है। अगर काउंट करें तो 30 से 35 कली है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले हम मिर्च को बस इस तरीके से काट लेंगे, ऊपर का डंठल हटा लें। आप कैंची से भी काट सकते हैं। तो देखिए हमने काट लिया है। अब कढ़ाही या पैन में डालिए 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। सरसों के तेल में ये चटनी बहुत ही बढ़िया बनती है। आप वैसे जो भी तेल खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को मध्यम करें और तेल को गर्म होने दें। तेल के गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को कम कर दें और अब इसमें डालिए 1 छोटी चम्मच धनिया के बीज। तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। 1 छोटी चम्मच जीरा हल्का सा तड़कने दें और इसमें कोई भी मसाले हम नहीं डाल रहे हैं। अब डाल दीजिए लहसुन की कली, हरी मिर्च। तो आप देख सकते हैं जीरा और धनिया को बहुत ज़्यादा डार्क मैंने नहीं किया है। अब इस तरीके से हम लहसुन हरी मिर्च को मिला लेते हैं। तो इतना झटपट बनता है और टेस्टी होता है कि जैसे ही ख़त्म होगा आप फिर से बनाना पसंद करेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि घर में सब्जी नहीं होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वाद को बढ़ा देगा। आप चावल, दाल, नाश्ते में, डिनर में, कैसे भी आप इसे खाइए। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे फ्रिज में रख के 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो हम इस तरीके से थोड़ा सा सौते कर लेते हैं, करीब 2 मिनट। ऐसा करने से लहसुन का कच्चापन भी चला जाएगा और मिर्च का तीखापन भी थोड़ा कम होगा और चटनी का स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। तो देखिए मिर्च का कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा है, यानी हल्का सा ये सुनहरा हो चुका है। बस इससे ज़्यादा हमें सौते नहीं करना है। पैन गर्म है इसलिए इस तरीके से चला ले थोड़ा, और फ्लेम बंद करके इसमें डालिए 1/4 कप यानी 4 टेबलस्पून भुनी हुई मूंगफली। मूंगफली को मैंने तवा पे पहले रोस्ट कर लिया था, इसके छिलके निकाल लिए हैं। इस तरीके से चला ले। अगर आप कच्ची मूंगफली डाल रहे हैं तो पहले ही डाल लीजिएगा ताकि वो साथ में सौते हो जाए। तो ये मुंबई का बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है थेचा, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिक्सी के जार में हम डाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हम खटास के लिए नींबू का रस। तो यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक, नमक थोड़ा ज़्यादा ही हमें डालना है क्योंकि चटनी में थोड़ा ज़्यादा नमक पड़ता है तभी अच्छा लगेगा। अब हम बिना पानी डाले दरदरा पीस लेंगे। तो देखिए हमने पीस लिया है और इतना दरदरा जरूर रखिएगा, स्वाद दुगना हो जाता है दोस्तों। और बहुत आसानी से बिना पानी डाले पिसा जाएगा। फिर से हम पैन चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच सरसों का तेल। टोटल इस रेसिपी में हमें 1.5 चम्मच तेल का इस्तेमाल करना है। फ्लेम बिल्कुल कम रखें और मिक्सी जार से लहसुन हरी मिर्च की चटनी को निकाल लीजिए। चटनी को हल्का सा हम भून लेते हैं। भुनने से सौंधापन, स्वाद बढ़ जाएगा और चटनी की सेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाएगी। तो बस 1 मिनट के लिए हम भुनेंगे लो फ्लेम पे। तो है ना बहुत आसान, मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगेगा आपको। तो ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, कैसा बना कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। तो देखिए हमने भून लिया है ताकि थोड़ा मोड़ा जो भी पानी हो वो सूख जाए। तो इसी तरीके से ड्राई रहेगा, बहुत ही ज़्यादा लजीज चटनी तैयार हो चुकी है। मैं आपको बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कितना टेस्टी लग रहा है। आप इस हरी मिर्च लहसुन की चटनी यानी थेचा को जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने घर का जाकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।